आपका इस YouTube चैनल पे तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं आज क्लास 10वीं का जो आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान के अंडर में जो इतिहास आता है, हिस्ट्री किताब जो आपका, उससे रिलेटेड VVI प्रश्न। तो साथियों, ये जो आप देख पा रहे हो कि सेट 1 जो है, ये सेट 1 आपका जो है, ये हमारे द्वारा VVI प्रश्न का अंबार बनाया गया है, सेट बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी सभी सब्जेक्ट का चार पांच सेट देखेंगे। जब तक आपका मॉडल पेपर नहीं आता, मॉडल सेट नहीं आता, तब तक हम लोग आपका जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस सेट को क्लियर करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। उन्हें भी कहिए कि जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हो कि चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा है। तो बताइए फटाक से इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सोरियू, जो ऑप्शन नंबर आप B में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो बताइए, दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेजिनी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो दिया हुआ है, मेजिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के टाइम में जो इटली कितने राज्यों में विभक्त था, तो ये 7 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो हुई थी वो 1832 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले साथियों, अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं, जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड और खालिस्तान, इस खालिस्तान में आपको भरना है के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड या जर्मनी, तो आपको बताना है साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो फ्रांस में था। कहाँ पे था, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो सकते हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद या फिर महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवाद। क्या हो जाएगा, नारीवाद, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर फ्रांस, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है ना, ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो अग्रदूत जो कहा जाता है वो है रूसो, रिली रूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर रूसो। ठीक है,
ऑप्शन जो सी में दिया हुआ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग इटली और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, बहुत वीवीआई प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न को अगर आप नहीं देखे हैं और नहीं याद किए हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की है, तो मेज़िनी ने किया, ठीक है, मेज़िनी किया था, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छीकता, ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई, देखिए यहाँ से सभी प्रश्न जो भी आप देख पा रहे हैं सभी वीवीआई हमारे नज़र में आ रहा है, क्योंकि एक ना एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसका कथन था? तो ये कथन था मेटरनिक, है ना, क्या था, किसका था, मेटरनिक का था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि काबुर को राजा विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इस पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ कि कवियों और कलाकारों ने यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो कवियों ने और कलाकारों ने यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो उसने यूनान को बताया। किसको बताया साथियों? यूनान को बताया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जर्मनी का एकीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग में, शॉर्ट में, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 1871, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे आइए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर 1871 में ही बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेत्सिनी, ठीक है, मेत्सिनी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन्स महासंघ की स्थापना जो किया गया था वो नेपोलियन के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है, ये में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आपको हम आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, वो आपको बताना है, ठीक है, सामाजिक उपबंधन, ठीक है, सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है वो आप बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। जी हाँ, फटाक से कमेंट कीजिए साथियों, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है कि सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए आप ये कमेंट कर देंगे इसका आंसर, ठीक है, सामाजिक उपबंधन नामक की पुस्तक किसने लिखा था। देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न और बहुत इजी भी प्रश्न है, आप बहुत बार इसको देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी, तो आप बताइए फटाक से कमेंट कीजिए। तो 1915 में, ठीक है, कब? 1915, जी हाँ, 1915, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ पे बता दें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था वो था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे हुई थी ये, इसका जो ये अधिवेशन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो किसानों का नेतृत्व जो किया था वो बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये है दिया हुआ है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो बहुत इजी प्रश्न है।